इस वीडियो में हम पेटीएम स्टॉक्स का रिव्यू करेंगे, जिसके बारे में हमारे एक व्यूवर्स ने पूछा है कि पेटीएम स्टॉक्स का टेक्निकल एनालिसिस बताइए। अगर आप भी किसी स्टॉक के टेक्निकल एनालिसिस को जानना चाहते हैं, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होगा आपके बाइंग के लिए, कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट होगा जहां पर आप उस स्टॉक को सेल कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में वो शेयर कमेंट कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से कमेंट कीजिए। अगर आप किसी भी शेयर के बाइंग के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए या इन्वेस्टिंग के लिए एंट्री जानना चाहते हैं, तो साथ ही साथ अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी के ट्रेडिंग के लिए फ्री ट्रेडिंग चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपको फ्री निफ्टी और बैंक निफ्टी का ट्रेडिंग दिया जाएगा हमारी ओर से। अभी के सबसे पहले यहाँ पर हमने वीकली चार्ट लिया है, तो वीकली चार्ट पर देखने कंप्लीट रूप से ये डाउन ट्रेंड है। यहाँ पर एक बहुत ही मोरोबाजू टाइप का बेरिश कैंडल बना, फिर यहाँ पर एक जबरदस्त ग्रीन कैंडल बना और उसके बाद स्टॉक लगातार नीचे गिरता चला गया। देखिए, आप कितना भी बिगिनर्स हो, इस चार्ट को ही देख करके आप बता सकते हैं कि पेटीएम बेरिश ट्रेंड में है। अगर पैटर्न की बात करें तो देखिए, पैटर्न छोड़िए, हमें प्राइस नहीं देखने मिल रहा है कि ये बेरिश प्राइस ट्रेंड में है। तो इसका जो ट्रेंड है प्राइस का, वो बेरिश है। साथ ही साथ बात करें तो यहाँ पर जो प्राइस है, ये एक पोल हो गया और उसके बाद एक ये रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है। देखिए, ये एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल में है प्राइस। तो बेयरिश पोल हो गया, ये रेक्टेंगल हो गया। अगर इस रेक्टेंगल को ये नीचे की ओर ब्रेक करता है तो पेटीएम यहाँ से और ज़्यादा गिरावट दिखा सकता है। लेकिन अगर इसको ऊपर की ओर ब्रेक करे, ऊपर ब्रेक करता है तो भी हम यहाँ पर बुलिश नहीं मानेंगे, क्योंकि ये ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा बेयरिश है। अगर यहाँ पर इसको ब्रेकआउट भी करता है तो हम इसको बुलिश नहीं मानेंगे। बुलिश तब लेंगे जब यहाँ से फिर से इस लेवल को रिटेस्ट करेगा। रिटेस्ट के बाद जैसे यहाँ पर ये जो नेकलाइन बनाएगा, इस नेकलाइन के ऊपर निकलेगा। देखिए, जैसे यहाँ ब्रेकआउट किया, ऊपर गया, फिर यहाँ इसको रिटेस्ट किया, रिटेस्ट के बाद इस नेकलाइन को जैसे ब्रेक करेगा, तब हम यहाँ पर बुलिश ट्रेड यहाँ पर ले सकते हैं पेटीएम के अंदर। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप इसके फंडामेंटल एनालिसिस को देखिए कि कंपनी का बिजनेस कैसा करेगा आने वाले समय में, उसके अनुसार से हम लॉन्ग टर्म के लिए 5 ईयर्स उससे अधिक समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं, जिसके द्वारा हम शॉर्ट टर्म के लिए पेटीएम को ट्रेड कर सकते हैं, 1 ईयर के लिए ट्रेड कर सकते हैं, 6 मंथ के लिए ट्रेड कर सकते हैं, 1 मंथ के लिए, 1 वीक के लिए, 2 डेज के लिए। तो इस तरह से पेटीएम का ट्रेडिंग हम यहाँ पर कर सकते हैं इस एनालिसिस के द्वारा। तो ये देखिए, वीकली चार्ट हो गया। अब इसी को हम डेली चार्ट लगा लेते हैं। तो कुछ खास लिस्टिंग डे हुआ नहीं है पेटीएम का, तो यहाँ पर चार्ट जो है आप आसानी से एनालिसिस कर सकते हैं। तो देखिए, डेली चार्ट पे भी सेम सिनेरियो है। देखिए, यहाँ पर पेटीएम गया, यहाँ पर रेसिस्टेंस फेस किया, फिर यहाँ पर देखिए रेसिस्टेंस लेके नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो देखते हैं क्या पेटीएम यहीं से वापस ऊपर चला जाता है या यहाँ से फिर से ये सपोर्ट के पास आता है और इस सपोर्ट को ब्रेक करता है या नहीं। यहाँ पर देखिए, वॉल्यूम जो आ रहा है वो लगातार बाइंग वॉल्यूम आ रहा है। सेलिंग वॉल्यूम देखिए काफी ड्राई हो चुका है, तो सेलिंग वॉल्यूम निग्लिजिबल है, बाइंग वॉल्यूम हमें अच्छा खासा दिख रहा है। तो ये जो वॉल्यूम है यहाँ पर, वो रिटेलर्स लोगों का है, या कहें ये जो लंबा डाउन ट्रेंड चला है, तो जिन्होंने ऊपर सेल किया था वो यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। हमें यहाँ एक फ्रेश वॉल्यूम चाहिए, मतलब ये सारा जो वॉल्यूम का आप देख रहे हैं लाइन है, इससे एक ग्रेटर वॉल्यूम लाइन चाहिए, मतलब यहाँ जो वॉल्यूम दिखे इससे ज़्यादा दिखे और उस वॉल्यूम के साथ इसको, इस रेंज को ब्रेक करे, तब जा करके हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे। शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, यहाँ पर जो बुलिश ट्रेड लेंगे वो इस सभी से, जो वॉल्यूम यहाँ आना चाहिए वो ग्रेटर होना चाहिए। साथ ही साथ जो आगे कैंडल बने वहाँ पर वॉल्यूम बढ़ रहा हो, ना कि डिक्रीज हो रहा हो। यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, ऊपर गया स्टॉक्स, बाइंग आया लेकिन वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, तो फिर से स्टॉक नीचे आ गया। अब नीचे आया तो यहाँ पर भी वॉल्यूम नहीं आ रहा है, यहाँ पर जो सेलिंग वॉल्यूम है वो भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं यहाँ डाउट है कि स्टॉक्स यहाँ पर और ज़्यादा कंसोलिडेट इसी रेंज में हो जाएगा। अब हम देखिए 15 मिनट इंट्राडे बेसिस भी एनालाइज कर लेते हैं कि इंट्राडे में पेटीएम स्टॉक्स में किस तरह का मूवमेंट हो सकता है। तो हमने 15 मिनट का चार्ट लगाया, 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। तो देखिए, 15 मिनट के चार्ट पे भी पेटीएम स्टॉक्स की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर एक थोड़ा सा हमें ट्रेंड लाइन दिख रहा है। देखिए, यहाँ पर हम मिलाएं तो ये ट्रेंड लाइन है। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो फिर पेटीएम यहाँ तक आ सकता है, क्योंकि ये हमने रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, जो कि आप थोड़ा सा कलर अलग डिफरेंट देख रहे हैं। अगर यहाँ पर ब्रेक करता है तो फिर इसको रिटेस्ट करेगा इस ट्रेंड लाइन को, फिर यहाँ तक ये आ सकता है स्टॉक्स, क्योंकि इसका सपोर्ट रीजन है। फिर अगर ये यहीं से ऊपर मूव कर जाता है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन है, सपोर्ट है, तो यहाँ तक आ जाएगा। यहाँ तक आने के बाद अगर इस रेसिस्टेंस वाले लाइन को ये ब्रेक करता है, तो फिर हम यहाँ पर थोड़ा बहुत इंट्राडे के लिए बुलिश हो सकते हैं। इंट्राडे में भी बुलिश तब होंगे जब ये यहाँ से ब्रेकआउट करता है, यहाँ से ब्रेकआउट के बाद इसको रिटेस्ट करें, फिर ऊपर निकले। तो कुछ इस तरह से पेटीएम का चार्ट है, ये लंबे ट्रेंड
जो डेली चार्ट है वीकली चार्ट पे उस पर ये बेयरिश है, तो यहाँ ज्यादा बेटर होगा कि हम इस ब्रेकआउट पर ट्रेड लें। इसमें बुलिश ट्रेड को अभी हम अवॉइड करेंगे, लेकिन अगर यहाँ पर हमने डेली चार्ट पे जैसा कि डिस्कस, देखिए 51 चार्ट पे मैंने इसको देख ही लिया, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, इस ट्रेंड लाइन को जब ब्रेक करेगा तो यहाँ पर हम बेयरिश ट्रेड ले सकते हैं। ऐसे भी लॉन्ग टर्म का ट्रेंड क्या है, बेयरिश है, यहाँ पर थोड़ा सा साइडवेज है, कंसोलिडेट हो रहा है स्टॉक्स। अगर यहाँ पर नीचे इस सपोर्ट रीजन को ब्रेक कर देता है फिर ये काफी ज्यादा बेयरिश हो जाएगा। देखिए फिर से हम यहाँ डेली चार्ट आपको एक चीज दिखाने के लिए लाए हैं, और यहाँ पर आपने देखा अभी 15 मिनट चार्ट पे एक ट्रेंड लाइन है जहां से सपोर्ट लेके स्टॉक ऊपर जा सकता है, अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो नीचे आ सकता है। तो ये पेटीएम स्टॉक्स का कंप्लीट रिव्यू था, अभी ना तो हमें इसमें बाय ट्रेड लेना चाहिए, इंट्राडे बेसिस आप यहाँ पर एक ट्रेड ले सकते हैं, जब ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो यहाँ पर इंट्राडे बेसिस आप ट्रेड ले सकते हैं। हम इसमें शॉर्ट टर्म के लिए बुलिश या बेयरिश तब जाएंगे, अब बुलिश तब जाएंगे जब ऊपर वाले रेंज को ब्रेक करेगा, नीचे जब रेंज को ब्रेक करेगा तो हम बेयरिश जाएंगे, ऊपर रेंज को ब्रेक करता है तो फिर हम रिटेस्ट का भी इंतजार करेंगे, क्योंकि बुलिश ही आसानी से स्टॉक नहीं होगा, लेकिन बेयरिश ट्रेड में तो ये स्टॉक है ही, यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, अगर रेंज को ब्रेक करता है तो हम बेयरिश ट्रेड यहाँ पर ले सकते हैं, क्योंकि स्टॉक पहले से ऑलरेडी बेयरिश पे है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ऐसे ही बेहतर एजुकेशन इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।